बॉडी बिल्डिंग, यह देखने में जितना डांस और ऑसम है, अंदर से उतना ही रिस्की और खोखला है। At just 26 years old, McCarver's sudden death in 2017. Fitness star और social media influencer Joe Linder का 30 साल की उम्र में निधन हो गया। Bodybuilding की दुनिया में बड़ा नाम रखने वाले आशीष साखरकर का निधन हो गया। चलो मुझे एक बात बताओ, एक एवरेज पर्सन लाइक मी एंड यू कैसे इस टाइप की बॉडी अचीव कर सकता है? अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है तो आप ऑब्वियसली कहोगे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डाइट, फिटनेस। पर क्या यह सब चीज़ें सिर्फ डिसिप्लिन, डाइट और हैवी वर्कआउट से ही अचीव किया जा सकता है? नो, अ बिग नो। इससे भी आगे एक मैजिकल जोन होता है जहाँ पर इस टाइप की फिटनेस इन्फ्लुएंसर का प्रोडक्शन होता है। उस जोन को हम कहते हैं द डार्क जोन ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट विश्वास पोखरेल वेलकम करता हूँ स्ट्रॉन्ग एवरीडे पर, जहाँ पर हम फिटनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले जर्नी पर जाने वाला है। अगर आप इस चैनल पे अभी अभी आए हो, आप नए हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। इस साल के अंदर अंदर ही मुझे 1K सब्सक्राइबर अचीव करना है, 1K। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी इन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, ज़रूर मुझे हेल्प करना। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्ट टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं। आए दिन जिम में वर्कआउट करने की वजह से होने वाले डेथ का रेट डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल भी साउथ इंडियन सुपरस्टार पुनीत राजकुमार और बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धांत शुक्लान की डेथ ने लोगों को सरप्राइज कर दिया है। और इस साल भी बहुत ही फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो लिंदर का डेथ ने भी फिटनेस इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। जो चीज हमें एक हेल्दी लाइफ जीना सिखा रही है, क्या वही चीज हमारा मौत का कारण भी बन सकता है? शायद ये सच हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, हम बॉडी बिल्डिंग को 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और दूसरा होता है इनहेंस बॉडी बिल्डिंग। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग योर फिजिक विदाउट यूजिंग परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग, विदाउट इंजेक्टिंग एक्सटर्नल हार्मोन इन योर बॉडी। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अंदर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अपना स्ट्रेंथ और मसल के साथ साथ अपना ओवरऑल हेल्थ का भी केयर करता है एक प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करके, जिससे हम एक जनरल फिटनेस भी कह सकते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को। और इसी की दूसरी तरफ है इनहेंस बॉडी बिल्डिंग। इसका मतलब बिल्डिंग योर फिजिक बाय इंजेक्टिंग एक्सटर्नल हार्मोन्स इन योर बॉडीज लाइक स्टीरॉयड, फॉर एग्जांपल ट्रेनबोलिन, डायनाबोल, एनाबोल, प्रोजेस्टेरोन। स्टीरॉयड को अपने जेनेटिक्स बैरियर को क्रॉस करने के लिए लोग यूज करते हैं, इसका वजह से ये लोग फ्रीक एंड मैसिव हो पाते हैं। देखिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एक बहुत ही फेमस टर्म है, आप एक साथ स्ट्रॉन्ग, श्रेडेड और ह्यूज नहीं हो सकते, आप वो वाली फिजिक अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको एस वाली फिजिक चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ और साइज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप कपड़ों में बहुत ही पतले लगोगे। और इसकी दूसरी तरफ अगर आपको ह्यूज होना है और स्ट्रांग होना है तो आपको एस वाली बॉडी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर स्टेरॉयड क्या करती है, आपको ये तीनों एक साथ अचीव करवा देती है। और सुनने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ना ये सब्सटेंस स्टेरॉयड, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्टेरॉयड का जितना बेनिफिट्स है उससे ज़्यादा इसका डिसएडवांटेजेस है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स और जिम फ्रिक्स का डेथ का कॉज में मैक्सिमम टाइम पर ये स्टेरॉयड्स ही होता है। तो चलिए समझते हैं स्टेरॉयड्स हमारे बॉडी के अंदर काम कैसे करता है। जब भी हम जिम में जाकर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे दरारे आते हैं। और उन दरारे को रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी को अमीनो एसिड की आवश्यक होती है, मतलब हमारे बॉडी को अमीनो एसिड चाहिए। और अमीनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को लीड करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मतलब आपके बॉडी के अंदर जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उतना ही ज्यादा आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब फास्ट रिकवरी एंड फास्ट गेन्स। अब बात करते हैं स्टीरॉयड के। स्टीरॉयड लैब में प्रिपेयर किया हुआ एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब भी आप स्टीरॉयड्स को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो तो आपके ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब आपका रिकवरी भी बहुत फास्ट होगा और आपका मसल गेन भी बहुत फास्ट होगा और स्ट्रेंथ भी बहुत फास्ट गेन होगा। जितना मसल मास आप एक साल के अंदर पुटन कर सकते थे अपने बॉडी के अंदर नेचुरली, उतना ही मसल मास आप 2-3 महीने में पुटन कर सकते हो स्टीरॉयड को यूज कर। और इसका साइड इफेक्ट्स बहुत ही हार्मफुल है, पूरा बॉडी के ऊपर एक्ने आ जाता है, इंक्रीजेस बॉडी हेयर ग्रोथ,
इरेक्टल डिसफंक्शन, बॉल्डनेस, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है, आपका गोटे छोटे होने लगते हैं। और इसका मेजर रीजन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लीवर डैमेज और गाइनोगोमेस्टिया, और भी है बहुत सारे एक्सेट्रा। इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स एथलीट इन साइड इफेक्ट्स को दबाने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ बाहर से अलग कंज्यूम करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, आप उस क्लिप से अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीज़ कितना हार्मफुल है आपके हेल्थ के लिए। ये दो हैं हमारे मसल हार्डनेस के लिए, ठीक है। एक सीधे लंग्स पे हमारे जो गुर्दे होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, और एक करता है हमारे इंटेस्टाइन पे। मसल हार्ड तो होंगे लेकिन अंदर से बॉडी आपकी ख़त्म कर रही है, सारी चीज़ें आपको ख़त्म करने वाली है। ये इंजेक्शन हमें घोड़ों को लगता है, हमारे घोड़ों को लगाया जाता है, घोड़े कुत्ते बिल्ली उनको लगता है इंजेक्शन। ये बॉडी बिल्डर्स लेते हैं कटिंग के लिए, ये इंजेक्शन लगाने ही और पिछवाड़े पे सूजना ही नहीं, बुखार होना शुरू, और साइड इफेक्ट ये है कि सीधे जाके लीवर पे टारगेट करता और लीवर के ऊपर पहले जख्म होगा, उसके बाद खुरंट होना शुरू हो जाएगा और लीवर सारा डैमेज, ठीक। और ये एक एक महीने की वायल होती है कि एक महीने में लगानी, और इनको छः छः महीने सात सात महीने लगाना पड़ता है। तो कितना रिस्क आप अपने आप डिसाइड कर लेना। और ये है हमारा मसल गेन के लिए, कि अगर आप पतले भी हो रहे हो और पतले होते होते आपका मसल गेन हो जाए, दैट्स वाई इसको यूज़ किया जाता है। नाम मैं किसी का नहीं बता रहा हूँ। मतलब जो भी हम खबरें सुनते हैं, बॉडी बिल्डर डाइड ऑफ हार्ट अटैक, फिटनेस इन्फ्लुएंसर का मौत आ गया हार्ट अटैक की वजह से, क्या ये सब स्टीरॉइड्स का ही कमाल है? येस, यू आर ट्रू, ये सब स्टीरॉइड्स का ही कमाल है। इसका मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सेफ है? येस, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत ही सेफ है, जब तक आप उसे अंडर प्रॉपर गाइडेंस में करते हो।